नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। आगामी चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, जिससे एक रणनीति तैयार की जाए कि आने वाले चुनाव में वो जीत हासिल करें। इसके लेकर आपने देखा किस तरीके से बेंगलुरु में विपक्षी एकजुटता की दूसरी बड़ी बैठक हुई। इसको लेकर बिहार सरकार के कानून मंत्री शमीम अहमद ने बताया कि कैसे आगामी लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में होने वाले हैं और 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और कैसे वो जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर शमीम अहमद मोतिहारी पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने बताया कि विपक्षी एकजुटता की दूसरी बड़ी बैठक बेंगलुरु में हुई और ये सफल रही बैठक। और उन्होंने यह भी बताया कि इस बैठक से ना सिर्फ बिहार बल्कि देश भर की दिशा जो है वो बदल जाएगी। और वहीं मोतिहारी पहुंचे थे ये, और मोतिहारी की जनताओं से उन्होंने अपील किया कि आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जो महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे, जो महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, उन्हें जरूर जिताएं, उन्हें समर्थन करें जिससे कि वो विजयी हो। और उन्होंने इस तरीके से मोतिहारी की जनता से उन्होंने अपील की कि आने वाले चुनाव में अगर वो महागठबंधन की सरकार के प्रत्याशियों को जिताते हैं, अगर वो विजयी होते हैं, तो ना सिर्फ उससे बिहार की दिशा बदलेगी बल्कि देश की दिशा भी तय करेगी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।